मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और अभी है सैटरडे मॉर्निंग एंड मैं अभी अपने लिए बनाऊंगी चीला एंड कॉफ़ी। और आज मेरा शोल्डर का MRI है। एक्चुअली मेरे शोल्डर का कुछ दिन पहले एक्सरे हुआ था, क्योंकि मेरे को बार बार पेन आता है। तो जस्ट वॉन्टेड टू नो कि क्यों आ रहा है। वो मुझे पता है कि मैंने एक बार वर्कआउट करते वक्त मुझे एक इंजरी हुई थी, तो उसके बाद से एक साल से बहुत पेन है। तो इसलिए मुझे आज MRI के लिए जाना है। तो चलो अभी ब्रेकफास्ट बनाते हैं एंड देन बात करते हैं। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ रागी का चीला। तो बेसिकली ये रागी का बैटर है एंड दिस इज़ वेरी गुड। दिस इज़ मिलेट्स एंड इसमें मैं पनीर, ये श्रेडेड पनीर है, ये डालूँगी एंड थोड़ा सा मसाला डाल के एंड देन चीला बनाऊँगी। सो दीज डेज आई एम हैविंग दिस राइस की मशरूम कॉफ़ी। तो एक्चुअली ये बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें 5 मेडिसिनल मशरूम्स का मिक्स है और यही नाम है इनके, यही 5-6 नाम है और मेडिसिनल मशरूम्स है। तो ये बेसिकली इट्स गुड फॉर इम्यून सपोर्ट एंड इसमें नॉर्मल कॉफ़ी से कैफीन भी थोड़ा कम रहता है एंड इट इज़ गुड फॉर गट हेल्थ। तो हाँ, और ये थोड़ी सी पाउडर्ड फॉर्म में ही रहती है। ना गैस भी गर्म हो गया, तो अब मैं पहले तो चीला डाल देती हूँ। ये थोड़ा सा ठीक है, तो मैं थोड़ा इसमें पानी डालती हूँ। सी रनी हो गई है कंसिस्टेंसी, तो आप डाल सकते हैं। तवा भी बहुत गर्म है, एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा वो आ रहा है, धुआं आ रहा है। और सिंस मैंने शुगर छोड़ दी है, तो मैंने सुबह की चाय भी छोड़ दी है, तो मैं यही कॉफ़ी पीती हूँ। एंड इसके अगर आप इंग्रेडिएंट्स भी देखोगे ना, तो सब कुछ ये देखो, ऑर्गेनिक मशरूम एंड सारे मशरूम्स का नाम और कोकोनट मिल्क और यही सब है इसमें। इसमें कोई भी एडिड शुगर नहीं है। प्लांट्स की ये अभी कंडीशन है और मैंने एक न्यू प्लांटर भी लिया है और एक न्यू प्लांट स्टैंड भी लिया है, तो वो हमको सेटअप करना है, तो वो भी करेंगे अभी आने वाले व्लॉग्स में। यही है कॉफ़ी एंड दीज आर माय 2 चीलास एंड डिश वॉशर मैंने खोल दिया, ताकि ये जो डिश वॉशर से निकले हुए बर्तन ना थोड़े से गीले रहते हैं, तो ऐसे खोल दो ना तो वो जल्दी से ड्राई हो जाते हैं एंड देन फिर क्लोज कर सकते हैं। मैंने कॉफ़ी ख़त्म कर दिया एंड चीला मुझसे ही खाया गया। मैं मॉर्निंग खा पाऊँगी एंड सो अब जाती हूँ मैं नहाने एंड तैयार होने। तो हमको मुझे MRI कराने जाना तो है, बट द थिंग इज कि कोई ज्वेलरी या कुछ भी नहीं पहन सकते, तो मोस्टली मैं अपनी ये एप्पल वॉच भी उतारी देती हूँ। और कोई रिंग्स वेंग्स नहीं पहन सकती, और मैं सोचूँ कि सिर्फ क्रीम व्रीम लगा के लिपस्टिक भी जरूरी है, लिपस्टिक लगा के चली जाऊंगी। ये बहुत अच्छा सनस्क्रीन है, ये हमने हवाई से लिया था। थोड़ी सी वाइट कास्ट आती है, बट आई थिंक थोड़ी देर बाद सेटल हो जाता है, सो इट्स वेरी नाइस। ये ब्राज़ीलियन बॉडी बटर जो है, ये मुझे कॉस्को में मिला था। ये ब्राज़ीलियन बम क्रीम का ड्यूप है, तो इसमें बेसिकली 3-4 कलर आते हैं, तो इसमें से मुझे ये येल्लो एंड पर्पल वाला ज़्यादा अच्छा लगा था, तो ये मैं बॉडी पर अभी लगाती हूँ। एंड लिपस्टिक तो कोई सी भी लगा सकते हैं, वाली लगा लेती हूँ। सो ऑल सेट। अरे कंघी तो करी है, जब से मैंने हेयर बोटॉक्स कराया मैं कंघी करना भूल जाती हूँ, क्योंकि बाल ऐसे ही स्ट्रेट हो जाते हैं। सो ओके, सो लेट्स गो। थोड़ी सी ठंड है बाहर, बट पास में ही है, तो भाग के जाएंगे, भाग के। सैटरडे मॉर्निंग है, तो सब लोग ब्रंच व्रंच करने के लिए निकले हुए हैं और हम जा रहे हैं MRI कराने। मुझे ये रोड क्रॉस करना है, उसके बाद जो 2 बिल्डिंग दिख रही है उधर है। लोग कैकिंग कर रहे हैं वहाँ पे, हमेशा ही थोड़ा सा बैठी तो रहता ही है। तो लॉक्ड है, बट एक बंदी ने बोला है कि वो मुझे आके ले जाएगी ऊपर, क्योंकि वीकेंड्स पे बंद रहता है।
ये मुझे पहनना है और MRI, ये है सॉक्स और ये कपड़े. See you later. Yay, back from MRI. तो मेरा MRI हो गया है और मैं इतनी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर रही थी कि उनको मुझे ना एक ग्लासेस पहनाने पड़े जिससे मैं उस मशीन के बाहर देख सकूं, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा लाइक डर लग रहा था अंदर. तो लाइक पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ. पहले मैंने नी का MRI कराया था, बट उसमें क्या होता है कि लेग्स अंदर रहते हैं. इस बार मैं पूरा पीछे अंदर थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था. तो अभी मैं आ चुकी थी, मैं आ गई थी MRI करा के, और अभी मैं सोच रही हूँ कि छोले बनाऊँ. तो अभी मैंने इंस्टेंट पॉट में छोले रख दिए हैं गलाने के लिए, एंड अभी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं दिखाती हूँ. इंस्टेंट पॉट में 18-20 मिनट्स के लिए लाइक रख सकते हैं छोले. तो ऑल दो मैंने भिगा दिए थे, बट थोड़ा सा टाइम लगता है और थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए. और ये मैंने प्याज कट कर दिया है, एंड ये खड़े मसाले. एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ. जैसे ये जो गार्लिक होती है ना, तो इसको मैंने ना कट करने के लिए और ग्राइंड करने के लिए एक चीज़ देखी थी, तो वो दिखाती हूँ. टेक द गार्लिक और इसके अंदर डालो, एंड देन इसको ऐसे ऐसे करो, एंड जो निकलता है ना वो एकदम क्लीन पीस रहता है. तो ये अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि ये पूरा छिलका निकल आता है और ये अलग निकल आता है. एंड देन इसको ना इसमें डालो, ऐसे करूँगी तो इसका पूरा निकल आएगा गार्लिक का, लाइक काफ़ी प्रेस करके. तो ऐसे ही मैं पूरे गार्लिक के पीस कर लेती हूँ. पर मैं तो भूल ही गई कि मैं गार्लिक है ना प्याज के साथ पीस रही थी भी, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं. बट ठीक है, यू गॉट टू नो वन हैक. तो जैसे ये डाल दो अंदर, एंड देन ऐसे ऐसे करो. सो ये देखो कचरा बाहर, एंड ये बाहर. चाय वाय एंड यू नो छोले वगैरह खा लिया, और अभी हम ये टीवी शो देख रहे हैं, ब्रोकन न्यूज़. तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा स्किन केयर करती हूँ. और मैंने ना एक न्यू स्किन केयर रूटीन अपनाया है. सो इट्स नॉट न्यू, कह रही थी कि इट्स नॉट न्यू, बट एक्चुअली ये है वो स्टीमर. तो मैं इसको लगा के फेस पैक लगाती हूँ तो बहुत अच्छा होता है, करके दिखाती हूँ. तो मैं लगाऊंगी फेस पैक, ये नीम वाला. इग्नोर द मेस, क्योंकि गर्ल्स का ड्रॉर ऐसे ही रहता है, एस्थेटिक नहीं होता है. इसमें जाता है ये पानी, तो इसको मैं थोड़ा सा भर लेती हूँ. पहले ऑन करूंगी ना तो फ्यूम्स आएंगे, स्टीम आएगी मतलब. पैक के लिए मैं लगा रही हूँ ये नीम फेस पैक वर्ना लेपा बाय फॉरेस्ट एसेंशियल. तो ये एक्ने वगैरह के लिए बहुत अच्छा है. तो अभी रिसेंटली मुझे बहुत एक्ने होना शुरू हो गया था, तो अभी मैं ये लगाती हूँ. हाँ, मैं फेस वॉश के लिए यही नीम एंड सैफरन सेम लाइक फॉरेस्ट एसेंशियल का यूज़ करूँगी. तो ये भी एक्ने के लिए बहुत अच्छा है. फेस पैक लगा लिया है, एंड अब मैं इसको ऑन करके स्टीम लेती हूँ. तो इससे मुझे रिसेंटली पता चला था कि अपने पोर्स खुलते हैं, तो ये जो फेस पैक है अच्छे से पेनिट्रेट होता है. इससे स्टीम भी ले सकते हैं अगर नाक खराब है, मतलब गला और सर्दी खराब, मतलब सर्दी है तो
स्टीम भी ले सकते हैं। एंड एक्चुअली हर हफ्ते स्टीम नहीं लेना चाहिए, मतलब 15 दिन में एक बार स्टीम लेके ऐसे कर सकते हैं, वरना फिर पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएंगे। हाँ, इसके बाद ना ठंडे पानी से मुँह धोना चाहिए। सो आई डू दिस फॉर लाइक 5 मिनट्स और 6 मिनट्स एंड देन पोछ दूंगी। आई एम डन और अब मैं इसको बंद कर देती हूँ एंड फेस वॉश कर लेती हूँ। कि अपन ने कितना पानी यूज़ किया, तो अपन ने काफ़ी पानी यूज़ कर लिया। दिस इज द aftermath ऑफ दिस स्टीमर फेशियल। फेशियल तो नहीं था ये, मतलब फेस पैक। तो ऐसे करते रहना चाहिए, तो ऐसे मैंने देखा है कि लाइक एशियन लोग ऐसा करते हैं, अपन भी एशियन हैं बट लाइक कोरियन एंड जापनीज लोग करते हैं ऐसे, एंड उससे उनकी स्किन बहुत अच्छी रहती है। बट हाँ, स्टीम बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, विच इज़ रॉन्ग। तो हाँ, और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मैंने फिर से स्टार्ट किया तो प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल एंड बाय।